हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं आमी गांव में, जो कि दिघवारा के पास में है। और ये छपरा से पटना जाने का जो रास्ता है, मेन रोड, उसके बीच में पड़ता है। तो मंदिर में जाने से पहले आइए दोस्तों, इस गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेन दरवाजा पे चांदी के सिक्के लगे हुए हैं। तो ये मन्नत वाले लगाते हैं, जैसे इसका मन्नत होता है, और मन्नत पूरी हो जाने पे यहाँ पे चांदी का सिक्का लगाते हैं दरवाजे पे आके। तो हमने भी मन्नत मांगा था और हमारी भी मन्नत पूरी हो गई, तो हम भी लगाएंगे यहाँ पे चांदी के सिक्के। पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। इसे माँ सती के जन्म स्थान और मृत्यु स्थान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ पे राजा दक्ष का शासन था, और राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन सती फिर भी उस यज्ञ में पहुँची थी, और पिता द्वारा अपमानित किए जाने पर सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे आक्रोशित होकर भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उसके तांडव को देखकर देवगण डर गए, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके शव के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, वही शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। एक और बात इस मंदिर के बारे में पता चला है कि यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमाएँ स्थापित नहीं की जाती है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि जब से अंबिका भवानी की पिंडी स्थापित हुई है, उस समय से यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है। तो ये है मंदिर का अंदर का दृश्य, और यहाँ पे हम लोग चंदी चढ़ाने वाले हैं। और ये देख सकते हो आप सामने में माँ अंबिका भवानी की पिंडी स्थापित की हुई है, और लोग यहाँ पे चुनरी चढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ टंगी हुई हैं, और लोग मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी हो जाने पे यहाँ पे घंटी टांगते हैं। तो हम भी यहाँ पे घंटी टांग रहे हैं, क्योंकि हमने भी मन्नत मांगा था और वो पूरी हो गई थी, इसलिए हम भी घंटी टांगेंगे यहाँ पे। और ये भगवान शिव का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कहा जाता है कि अगर इस मंदिर को केंद्र बिंदु माने, तो इसे समान दूरी पर पड़ोसी देश नेपाल में स्थित काठमांडू का पशुपति मंदिर, एंड पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का विश्वनाथ मंदिर, और झारखंड के देवघर में मौजूद बाबा धाम की दूरी एक समान है। यहाँ पे हवन, हुमाद और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण गूंजते रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको माँ अंबिका भवानी के इतिहास जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया है अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं अगली वीडियो में किसी नई जगह के बारे में बताऊँ तो आप उसे देख सकें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।